जायकर पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सवाल निशान खड़े होते हैं, लेकिन देशभक्ति और जनसेवा की बात इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा दिखने को मिली है, जहां होटल में लगी भीषण आग के चलते काफी मशक्कत के बाद पूरे थाने के स्टाफ ने होटल में फंसे लोगों को अपनी जान पर खेल कर बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देर रात एएसपी ने पहुंचकर पूरे स्टाफ से मुलाकात की और प्रशंसा पत्र इनाम देने की घोषणा कर दी है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में होटल गोल्डन गेट में अचानक भीषण आग लग गई थी, जिसके चलते होटल में मौजूद तकरीबन 5 यात्रियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने पूरा विकराल रूप ले लिया था। सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी तहजीब काजी और उनकी टीम ने सूझबूझ के चलते होटल में मौजूद एक बुजुर्ग को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उसकी जान बचाई। वहीं आसपास के रहवासियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्थानीय पुलिस टीम ने काफी सूझबूझ के साथ अपनी जान पर खेलकर आम लोगों की जान बचाई। वहीं थाना प्रभारी द्वारा होटल के दूसरे मंजिल का कांच तोड़ अंदर घुसे और धुएं में फंसे लोगों को भी बाहर निकाला। इसी के चलते देर शाम एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए इस साहसिक कार्य के लिए मुलाकात करने पहुंची, जहां पूरे स्टाफ के साथ मिलकर कॉफी पी और उन्हें प्रशंसा पत्र और इनाम देने की घोषणा की। जो थाना विजयनगर क्षेत्र में गोल्डन गेट होटल में आग लगी थी और बहुत ही गंभीर यानी उससे बहुत गहरी लपटें उससे बाहर जा रही थी और बहुत ज़्यादा धुआं था उसमें। सराहनीय बात यह रही कि हमारे जो स्थानीय पुलिस है थाना विजयनगर के TI तहजीब काजी और उनकी पूरी टीम ने बहुत तत्परता से वहाँ मौके पर पहुँच करके लोगों को 6 लोगों को रेस्क्यू किया और एक बहुत ही दुस्साहसपूर्ण कहना चाहिए कि साहसिक कार्य करते हुए इन्होंने वहाँ होटल के अंदर जलती आग में होटल के अंदर प्रवेश कर बाकी भी सारे कमरों को चेक किया कि कहीं कोई आग से हताहत होने की स्थिति में ना रहे। और जो छत से जिस व्यक्ति को रेस्क्यू किया उसने लगभग जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, उसके बाद हमारी पूरी टीम ने हमारे पुलिस जवानों ने पूरी हिम्मत और उनके साथ कुछ सुरक्षा समिति के सदस्य भी थे उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ और फायर फाइटर्स के साथ में मिल करके उसको एक छत से दूसरी छत पर सीढ़ी लगा करके उसको रेस्क्यू किया। हमारे पास जो फायर डिपार्टमेंट के पास में जो संसाधन है जान बचाने के वो बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, उनका फ़ायदा लोगों को मिल सके और साथ ही लोगों की जान सुरक्षित रहे। किसी प्रकार की आग लगने की दशा में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जितने संसाधन जिला प्रशासन के पास में इंदौर के पास में है उन सबका बहुत बेहतर समन्वय के साथ में सदुपयोग हो सके, उसके लिए हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे।